हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडे इज द हिंदू न्यूज डिस्कशन। नाउ डेली के बेसिस पे कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं और पर्टिकुलर हर एक पेज से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए उसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मंडे टू फ्राइडे एक आंसर राइटिंग की जाती है और हर एक पर्टिकुलर न्यूज़ को किस तरह से मेंस के बेसिस पे आपको सोचना है, क्या पूछा जा सकता है, वो सब नोट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। नाउ सबसे पहला हमारा सेक्शन यही रहता है कि पूरे न्यूज़पेपर में जो भी हाइलाइटेड न्यूज़ हैं उन सब के नोट्स कौन कौन से हैं जो आज हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं। नाउ तो 16 दिसंबर द हिंदू डेली नोट्स बाय पीआर पब्लिकेशन। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर से रिलेटेड एक न्यूज़ आई हुई है आज के न्यूज़पेपर में। तो आज हमने सेमीकंडक्टर के फाइनल नोट्स दे दिए हैं। भारत में सेमीकंडक्टर का स्टेटस क्या है, क्यों जो ये टॉपिक मैटर करता है वो अभी हम न्यूज़ के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम सेमीकंडक्टर के साथ साथ जो मेंस की चीज़ें हैं कि इंडिया के सोर्सेज कहाँ आते हैं, ठीक है, इंडिया को क्यों इंडिजिनियस कैपेसिटी की ज़रूरत है, पूरा यूपीएससी मेंस के बेसिस पर, ठीक है, क्या क्या इससे फ़ायदे होंगे ये सब हमने डिस्कस किया है और क्या हम इनिशिएटिव ले सकते हैं सेमीकंडक्टर को प्रमोट करने के लिए। और ये प्रीलिम्स में पूछा जाएगा जो हम ये इनिशिएटिव देखने वाले हैं, राइट। तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों ही एक साथ ये नोट्स हमने शेयर कर दिए हैं, राइट। उसके साथ साथ क्या है, सर्टिन आज आया है न्यूज़ में, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, और इससे रिलेटेड न्यूज़ जानेंगे जीएस पेपर 3 में। हिजबुल मुजाहिदीन का जो लीडर है, ठीक है, वो कल मारा गया, तो ये हिजबुल मुजाहिदीन कौन है या क्या है इसको डिस्कस करेंगे। नाक डिस्कस करेंगे, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल, और एजुकेशन से रिलेटेड ये न्यूज़ है, जीएस पेपर 2 में पूछी जाएगी। यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस क्या होती हैं, भारत का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो ये आज के नोट्स हैं जो हम डिटेल में जानेंगे। विदाउट मूविंग फर्दर आप हमारा एयरली प्लान ज्वाइन कर सकते हैं ₹499 में। जो हम डेली के नोट्स शेयर करते हैं वो आप ले सकते हैं डेली आंसर राइटिंग 6 to 12 सिर्फ ₹499 में। तीनों प्लान एक साथ लेना चाहते हैं तो 999 में आप इसे अवेल कर पाएंगे। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे फ़ोनपे कर सकते हैं, जो भी पेमेंट करेंगे उसके स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देनी है। और साथ ही साथ आप गारंटेड 60 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट पैकेज है, और इसमें नोट्स प्लस वीडियो, उन नोट्स की वीडियो भी आपको मिलेगी सिर्फ ₹2499 में। डिस्काउंटेड प्राइस अभी चल रहा है ₹2099, राइट, सिमिलर प्रोसेस है पेमेंट की। नाउ बात करते हैं सबसे पहले न्यूज़ की, कैबिनेट अप्रूव 76,000 करोड़। सबसे बड़ी बात है कैबिनेट की मंत्रियों ने 76,000 करोड़ रुपए अप्रूव कर दिए हैं ताकि हम सेमीकंडक्टर जो मेकर्स हैं भारत में उनको बूस्ट कर सकें। अगर वो सेमीकंडक्टर बनाने लगे, उनके डिवाइसेस बनाने लगे, तो भारत को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हाल ही में क्या हुआ, यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को अप्रूव की, यानी कि कल के दिन, एक 76,000 करोड़ रुपए की स्कीम जो बूस्ट करेगा सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री, टेकिंग द टोटल अमाउंट ऑफ इंसेंटिव अनाउंस्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर 2.3 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार ने एज एन इंसेंटिव देंगे कि आप बनाओ हम आपको कुछ पैसा भी देंगे। साथ ही साथ में द स्कीम वुड प्रोवाइड फीजल सपोर्ट ऑफ अप टू 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स। सपोज मान के चलो मैं एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ जहाँ पर मैं कहूँगा कि सेमीकंडक्टर की हेल्प से मैं डिस्प्ले बना रहा हूँ, मोबाइल की स्क्रीन बना रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ। तो मैं कहूँगा यार सर किससे, सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि मुझे तो लग रहे हैं 5,000 रुपये, तो उसमें से 2,500 रुपये वो मुझे दे देंगे, ठीक है, या 5,000 या चलो 50 लाख मान के चलो, तो 25 लाख की हेल्प कौन करेगा, सरकार करेगी, उसमें बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर हमको वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इंडिया जो सेमीकंडक्टर मिशन भी चलाया जा रहा है, ये भी सेटअप किया गया है। तो नाउ यहाँ पर देख लेते हैं सेमीकंडक्टर का स्टेटस क्या है भारत में, यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस के नोट्स अबाउट सेमीकंडक्टर। ये एक मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं बिटवीन ए कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कहने का मतलब क्या, कंडक्टर क्या होता है, कॉपर वायर, इंसुलेटर कोई प्लास्टिक मान लो, तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी जीरो होती है, मतलब अगर प्लास्टिक में करंट नहीं दौड़ता, तो सेमीकंडक्टर की क्या होती है, कंडक्टिविटी किसके बीच में होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। हालांकि वो रेंज आपको साइंस एंड टेक में अलग से समझनी है, अभी आप इतना जान लीजिए कि वो इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी सेमीकंडक्टर होगा ना,
अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर पाएंगे। कंडक्टर्स आर द मटेरियल और सब्सटेंसेज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, जैसा मैंने बोला वो यहाँ पर लिखी गई है। कंडक्टिंग मटेरियल जैसे गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, सी वाटर, ये कंडक्टिंग वाटर होते हैं, ठीक है। नाउ एन इंसुलेटर इज ए मटेरियल दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट, वो फिर पूरा एक्सप्लेन कर दिया जो मैंने बोला है, आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। पर सेमीकंडक्टर के कुछ एग्जांपल याद करो, सिलिकन, जर्मेनियम, आप सबको मोबाइल फ़ोन की बैटरी, लिथियम आयन बैटरी में क्या चीज़ मिलती हैं, सेमीकंडक्टर, राइट। सिग्निफिकेंस तो अब आपको पता चल गया है, हर आपके पास भी फ़ोन है, मेरे पास भी फ़ोन है, तो सोचो हर एक छोटी सी छोटी चीज़ जो घर में है, रिमोट के अंदर भी सेमीकंडक्टर लगे रहते हैं, राइट। द फोन्स एंड द मोबाइल डिवाइसेस, कार्स एंड प्लेन्स, मशीन, मिलिट्री सिस्टम, सोचो आपके अगल बगल कितनी भी चीज़ें हैं तो वो सब सेमीकंडक्टर से बनी हुई हैं। अगर भारत ये खुद मैन्युफैक्चर करने लगे तो सोचो कितना बड़ा फ़ायदा होगा। इसीलिए तो कैबिनेट मंत्रियों ने दिमाग लगाया, 76,000 करोड़ रुपए दे दिए। इंडियन सोर्स फॉर सेमीकंडक्टर रिक्वायरमेंट्स, नाउ बात करते हैं कौन कौन से सोर्सेज हैं। सबसे पहले देखिए, एक इंडिया की बात करूँ तो एट लार्ज स्केल सेमीकंडक्टर की चिप्स नहीं बनती। सेकेंडली, दूसरी कंट्रीज़ बहुत आगे हैं, जो इंटायर चेन है वो इंटरडिपेंडेंट है, तो अभी पेंडेमिक आया था तो सोचो सप्लाई चेन पूरी कट हो गई थी, राइट। तीसरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा उतना खास है नहीं। चौथा अगर पॉइंट बात करूँ, 100% ऑफ आवर चिप मेमोरी एंड डिस्प्ले आर इम्पोर्टेड इन टू द कंट्री, सोचो 100% चिप्स जो होती हैं वो हम इम्पोर्ट करते हैं, और इसमें भारत ने पिछले वर्ष 15 बिलियन लगाए और उसमें से 37% चाइना से आता है। सोचो चाइना के साथ वॉर, ट्रेड वॉर हो जाता है तो हमें बहुत बड़ा लॉस होगा, तभी इंडिया सोच रहा है। तो इंडिया में कोई ऐसी है क्या लेबोरेटरी, यस सितार है, SITAR, ये DRDO की है बेंगलुरु में, और दूसरी है चंडीगढ़ में एक सेमीकंडक्टर की लेबोरेटरी। तो भारत को अभी क्यों ज़रूरत है, देखो सबसे पहले यार सप्लाई जो शॉक्स होते हैं, जैसे लॉकडाउन अभी लगा, सप्लाई चेन पूरी ब्रेक हो गई, चाइना से कोई माल नहीं आया, तो इस पे क्या हुआ, जो टाटा है, महिंद्रा है, उन्होंने अपना काम रोकना पड़ा क्योंकि सेमीकंडक्टर नहीं थे, राइट। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, रेवेन्यू अच्छा होगा, जियोपॉलिटिकल हमें बेनिफिट बहुत मिलेंगे, सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, सबसे बड़ी बात सेमीकंडक्टर, मैंने कहा हर एक इलेक्ट्रिकल जो आइटम्स होते हैं उसमें चिप्स लगी रहती हैं। नाउ तो इनिशिएटिव लिए हैं क्या हमने, यस, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019, और स्पेक्स याद करना, SPECS, ये आपको हिंदी न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा, जनरली आपसे डायरेक्टली पूछा जाए। अब सेमीकंडक्टर हमें पता चल गया कि कितना ज़्यादा मैटर करता है हमारे लिए, तो क्वेश्चन इससे पक्का आएगा। तो स्पेक्स स्कीम है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर, तो वहाँ सिर्फ स्पेक्स दिया जाएगा। इसमें क्या है, भारत सरकार फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रही है, ठीक है। उसके बाद है EMC 2.0, इस स्कीम के अंदर सरकार जो है सपोर्ट देगी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने के लिए। PLI तो आप सबको पता है, जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली अगर मैं फैक्ट्री इस्टेब्लिश करता हूँ तो सरकार मुझे कुछ इंसेंटिव भी देगी। FDI हमने अलाउ करी है इसमें 100% अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं। चैलेंजेस क्या हैं, सबसे पहले तो यार एक लेबोरेटरी सेटअप करने में कुछ $5-7 बिलियन खर्चा आता है, सोचो ब्यूरोक्रेटिक उतने अच्छे नहीं है, हमारी इनएफिशिएंसी है, पावर सप्लाई उतनी अच्छी नहीं है, 24/7 नहीं है स्मूथ। देखिए अगर हमें सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करना है तो हमें कहीं ना कहीं 24/7 मतलब हर समय पावर चाहिए ही होगी। सजेशन वही है, जो माइक्रो प्रोसेस IC है उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर फिट होते हैं, तो पर्टिकुलर अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इसमें सेटअप करना है। तो ये कंप्लीट नोट्स हो गए किसके, आपके सेमीकंडक्टर के, राइट। तो कंक्लूजन के भी इतना दिया है मैंने, मे बी आज का जो UPSC मेंस क्वेश्चन होगा वो सेमीकंडक्टर में ही हम दें, राइट। नाउ बात करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस शॉट डेड ए कमांडर ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन, जो कमांडर है ये मार दिया गया कहाँ, पुलवामा में। तो हिजबुल मुजाहिदीन क्या है इसको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जो हमारा NVSP है, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है, उसमें सर्टिन ने बताया है मे बी हैकिंग की जा सकती है, जैसे डेटा होता है ना बहुत सारा जो वोटर्स होते हैं उनका डेटा होता है, तो उसमें हैक भी किया जा सकता है। तो अगर कंप्यूटराइज तरीके से देखें तो ये सब चीज़ें हैकिंग वगैरह कौन सा इंस्टीट्यूट देखता है, वो देखता है सर्टिन, राइट। तो इन दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं।
कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम यूपीएससी जनरल स्टडीज पेपर 2 GS3। और ट्राई ये करना एक दिन एक नई चीज़ सीखो। देखो सर्टेन बहुत कॉमन चीज़ है, ये हम ऑलरेडी भी बता चुके हैं, ये इंडियन डिपार्टमेंट आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बनाया है 2004 में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, भारत सरकार के अंदर आती है। ये चेक करती है हैकिंग और फिशिंग कहीं पर भी हो, और इसके अंतर्गत कुछ रिपोर्ट भी जारी की, कुछ डेटा रिलीज किया गया जिसमें साइबर अटैक सबसे ज़्यादा चाइना से देखने को मिले, फिर पाकिस्तान रशिया ये देखने को मिलते रहते हैं। सेकेंड थी हिजबुल के एक कमांडर को मार दिया गया, द हिजबुल मुजाहिदीन ऑल्सो नोन एज हिजबुल मुजाहिदीन और जस्ट HM वॉज फॉर्मड इन 1989। ये एक मिलिटेंट ग्रुप है जम्मू एंड कश्मीर में। द ग्रुप इज़ हेडेड बाई मोहम्मद यूसुफ शाह हुगोज़ बाई द एलियास साइद सलाउद्दीन के साथ काम करता है। द हिजबुल मुजाहिदीन वॉज डेजिग्नेटेड एज फॉरन टेररिस्ट, US स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको फॉरन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह घोषित किया है, जिसमें बहुत सारे सेंक्शन लग जाते हैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा, तो उसका कोई भी मेंबर को आप ओपन फायर कर सकते हो बिना वार्निंग दिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। नाउ हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, जामिया मिलिया इस्लामिया गेट्स A++ रैंकिंग फ्रॉम द NAAC। अभी हाल ही में क्या हुआ, 2 साल पहले दिल्ली पुलिस ने, पैरामिलिट्री फोर्सेज ने जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में घुसे, लोगों को मारा। बट अभी ये तो एक न्यूज़ की तरह है, बट अभी हाल ही में इसको NAAC ने A++ रैंकिंग दी है। अब ये है कौन, NAAC होती कौन है बॉडी, ये NAAC कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक, अब तो ये हट चुके हैं पोर्टफोलियो, ये कॉन्टेक्स्ट था। तो जनरली मैं ट्राई ये करता हूँ कि एक साल के अंदर जितनी भी न्यूज़ है उसको एक साथ आपको बताया जाए। देखिए ये होता क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये कहाँ है, बेंगलुरु में है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो इंस्टीट्यूट है या ये जो बॉडी है पर्टिकुलर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रैंकिंग देती है। बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं, जैसे फॉरेन टीचर्स कितने हैं, फॉरेन बच्चे कितने हैं, राइट, और कितना ज़्यादा वेलफेयर किया जा रहा है, क्या माइनॉरिटी के लिए कुछ किया जा रहा है या नहीं, तो उसके बेसिस पर हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रैंकिंग दी जाती है। तो इसी के साथ साथ अगर जब भी मैं NAAC के बारे में बात करता हूँ, तो NAS की स्कीम में प्रामर्स एक स्कीम इससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो जनरली ये क्या करेगा, द स्कीम विल बी ऑपरेशनलाइज थ्रू ए हब एंड स्पोक मॉडल वेर इन द मेंटोर इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द हब, जो इंस्टीट्यूशन मेंटोर है जो दूसरे इंस्टीट्यूशन को बताएगा उनको हब कहेंगे, इज सेंट्रलाइज्ड एंड विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गाइडिंग द मेंटी इंस्टीट्यूशन थ्रू द स्पोक, दैट इज थ्रू द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द मेंटी फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मतलब एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, हायर एजुकेशन है, रैंकिंग अच्छी है, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, अब वो क्या करेगा किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को बताएगा, उनको ट्रेनिंग देगा उनके स्टाफ को, ठीक है। तो परामर्श स्कीम किससे एसोसिएटेड है, NAC से एसोसिएटेड है। बात करते हैं आज के एडिटोरियल की, सबसे पहला एडिटोरियल हमारा है पेंडेमिक के वजह से जो भी सप्लाई चेन ब्रेक हुई है उसके बारे में, मेन है सेमीकंडक्टर का। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हेल्थ केयर जो सप्लाई चेन है पूरी तरह है डैमेज हो चुकी थी, फार्मास्यूटिकल जो इक्विपमेंट है हम लेते हैं पर्टिकुलर चाइना से वो भी डैमेज हुए। अब COVID-19 ने ये क्लियर मैसेज दे दिया है, राइट। अब देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के स्पेशल इन्वॉय थे इंडिया के टॉनी अबॉट, उन्होंने भी चाइना को एक्यूज़ करते हुए बोला वेपनाइजिंग ट्रेड लूजिंग इट्स क्रेडिबिलिटी एंड ब्लॉकिंग ट्रेड फ्लोज। अब चाइना का ऐसा रहता है कि सप्लाई चेन में उन्होंने एक छोटा सा अगर डायमेंशन देखो तो मास्क के चक्कर में, देखो मास्क कितने ज़्यादा बना दिए उन्होंने, राइट, और उसमें जो है अलग से कमीशन भी लिया गया। तो ये एक मतलब एक ट्रेड फ्लो होता है जो नॉर्मली नेचुरली चलता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर, उसको कहीं ना कहीं इंटरवीन करके चाइना ने ट्रेड फ्लो को रोका है। और ऐसा एक कंट्री नहीं कह रही है, बहुत सारे देश कह रहे हैं, एक्सपर्ट भी ये मानते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक द वर्ल्ड विल नॉट बिकम लेस इंटरडिपेंडेंट एज इट सिंपली नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू मेक एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आइसोलेट हो गए,
कहीं ना कहीं अभी भी इंटरडिपेंडेंट हैं और सभी लोगों को एक ही यूनिवर्सल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स फॉलो करने चाहिए, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव हो पूरे देश में जो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो एज ए एक विलेज लेवल की तरह हो, मतलब जहां पर इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं। आजकल बहुत सारे पॉलिटी के जो है एडिटोरियल ये आते हैं, यहाँ पर पूरा वही है जो हमारे पॉलिटी के अभी नोट्स चल रहे हैं। पार्ट थर्ड क्या है, फंडामेंटल राइट है, पार्ट वन यूनियन एंड टेरिटरी, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि हमें अपनी जो फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं उन पर बैलेंस बनाए हुए रखना पड़ेगा। रैंडम से एग्जांपल दिए गए हैं, आपको ये डिटेल में नहीं जानने हैं, राइट। वही है 42nd अमेंडमेंट के दौरान, मतलब पूरी पॉलिटी को ही इन्होंने एक एज ए एडिटोरियल लिख दिया, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये याद रखना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड की गई बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसी के लिए पार्ट 4A भी बनाया गया। तो आई थिंक फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक लेक्चर है, वो मैं फ्री में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा हमारे मेन चैनल में। नाउ आप लोगों को इस पूरे एडिटोरियल से बताना है जो फूड के प्राइसेस हैं, इन्फ्लेशन जो है पूरे इंडिया में किससे मेजर किया जाता है। बाकी कोई आज ओपेट पेज का आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जिसके आप प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स बना सकते हैं, आंसर है नहीं। नेक्स्ट है, देखिए, सेंचुरीज ओल्ड टेम्पल वॉज डिस्ट्रॉय बाय पाकिस्तान फोर्सेज ड्यूरिंग द वॉर ऑफ 1971। देखिए 1971 के टाइम में हम ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अभी का बांग्लादेश है, तो भारत ने ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प की और जो बांग्लादेश को एज ए लिबरेट कंट्री बना दिया गया। तो हुआ क्या था 1971 के दौरान, आप सबको पता है वॉर हुई थी और उस टाइम पर पाकिस्तान की आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सर्च लाइट, कहाँ पर, ईस्ट पाकिस्तान जो ऑलरेडी था, अब बांग्लादेश बन चुका है। तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को टारगेट करना इसका मेजर एम था। तो इसी दौरान बहुत सारे जो मंदिर हैं उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया, उनमें से एक मंदिर है श्री रमना काली मंदिर, जो कि कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, राइट। तो अभी इसको 50 साल बाद फिर से इनॉग्रेट किया गया है, तो कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं इससे रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अब यहाँ पर एक इंटरव्यू है, हालांकि इंटरव्यू उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट यहाँ पर पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में बताया गया है। नाउ यूएन पीस कीपिंग क्या है कॉन्टेक्स्ट, 193 मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशन हैव दस फार फेल्ड टू एग्री ऑन पीस कीपिंग बजट फॉर द ईयर बिगनिंग जुलाई 1। अभी पिछला मुद्दा क्या चल रहा था, पीस कीपिंग फोर्सेज के लिए फंड नहीं जा रहे हैं। तो इशू क्या है, द बजट फॉर द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल पीस कीपिंग ऑपरेशन अबाउट 20 मिशन वर्ल्ड वाइड विथ नियरली 1 लाख ब्लू हेलमेट मोबिलाइज अमाउंट टू अबाउट 6.5 बिलियन एंड कवर्स 12 month पीरियड स्टार्टिंग ईच ईयर ऑन जुलाई 1। अब पीस कीपिंग ऑपरेशन अलग अलग देशों में चल रहे हैं यूनाइटेड नेशन के, मतलब जहाँ पर भी सिविल वॉर, जहाँ पर भी लोगों की ह्यूमन राइट का वायलेशन किया जा रहा है, मतलब ऐसा वॉर चल रहा है, तो सभी लोगों के रिकमेंडेशन से उस जगह पर ये ब्लू हेलमेट वाली आर्मी भेजी जा सकती है। 20 मिशन चलते हैं बट बिलियंस का खर्चा आता है, बट बहुत सारे जो कंट्री हैं अभी मान नहीं रही हैं कि कौन ज़्यादा फंड देगा, ठीक है। अब मैं कहूँगा US के जो ट्रूप्स हैं वो कम होते हैं, क्यों, क्योंकि USA पैसा ज़्यादा दे देता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अभी मेन ये है, बट क्वेश्चन आपके UPSC प्रीलिम्स में ये पूछा जाएगा, यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग ऑपरेशन है कैसे फंड होती हैं। वाइल डिसीजन अबाउट establishing, मेंटेनिंग और एक्सपांडिंग ए पीस कीपिंग ऑपरेशन आर टेकन बाई सिक्योरिटी काउंसिल, जो UNSC होती है ना, वो इसका डिसीजन लेती है। द फाइनेंसिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट, 193 देशों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आप फंड करें। एवरी मेंबर स्टेट इज लीगली ऑब्लिगेटेड टू पे दियर रिस्पेक्टिव शेयर, हर एक मेंबर जो भी यूनाइटेड नेशन का है उसको लीगली ऑब्लिगेशन होता है, उसमें देने ही पड़ेंगे। दिस इज द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 17। अब यूनाइटेड नेशन के चार्टर में लिखा है आर्टिकल 17 में कि हर एक कंट्री को लीगली ऑब्लिगेशन है। टॉप 5 प्रोवाइडर कौन है कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन, यूनाइटेड नेशन 27% तक कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, चाइना 15, जापान 8, जर्मनी 6 और UK 5, ठीक है। सिग्निफिकेंस तो पता ही, ऑल ओवर वर्ल्ड में पीस फैलता है। कंपोजिशन, इनको ब्लू बैरेट ब्लू हेलमेट कहते हैं क्योंकि वो हेलमेट कैन इंक्लूड सोल्जर पुलिस ऑफिसर सिविलियन, ये सब इसमें इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। 3 प्रिंसिपल रहते हैं, पार्टीज़ की कॉन्सेंट होनी चाहिए, मतलब जिस देश में लड़ाई चल रही है अगर वो बोले कि हाँ यहाँ पर
अपने सोल्जर भेजो तो यस भेजा जाएगा, इम्पार्शियलिटी नहीं होगी, नॉन यूज़ ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ मैंडेट, यहाँ पर बात की गई है कि फोर्स का हम ऐसा आर्बिट्री यूज़ नहीं करेंगे। एट द एंड वर्ल्ड लेवल की न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं, अभी वही रशिया यूक्रेन पे अभी डोमिनेट कर रहा है, तो सभी देश अभी सेंक्शंस लगा रहे हैं रशिया पे। आपको कुछ और म्यांमार में मिलिट्री कूप चल रहा है 1 फेब से, USA थ्रेटन न्यू मेजर्स अगेन म्यांमार जनता, राइट? और कुछ काम का है क्या? यस, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पुश किया जा रहा है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में फ़ायदा क्या रहता है कि अगर इंडिया ने किसी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया तो टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर दोनों में भारत को फ़ायदा मिलेगा, राइट? बाकी एंटर कर रहे हैं तनिष्क टाटा की कंपनी है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।